वायरल, आपको कब पता चला कि आपका वीडियो वायरल हो गया? हमको तो पता नहीं था, मेरे दीदी जब देख रही थी जी इंस्टाग्राम से फेसबुक पर जी, तो देखा तो उनको बहुत खुशी हुआ और बोला कि अब तुम वायरल हो गई। काफी घर में मम्मी पापा सब खुश थे। ओ, अभी पापा क्या करते हैं आपके? पापा टेम्पो चलाते हैं। टेम्पो चलाते हैं। और मम्मी क्या करती हैं? मम्मी कुछ नहीं, सिर्फ घर के काम, घर में। आप कितने समय से वीडियो बना रहे थे? 3 महीना से। 3 महीना से वीडियो बना रहे थे, 3 महीना में वायरल हो गए आप जी। आप काम क्या करती हैं? हम मतलब पहले दुगले में काम करते थे जी। हाँ, मतलब दोगला प्रोग्राम वगैरह जो होता है उसमें डांस वगैरह काम करती थी आप। गाना वगैरह भी गाती हैं क्या आप? नहीं, सिस्टर गाते हैं। अच्छा, जैसे डांस वाला वीडियो आपका, सारी वाला वीडियो वायरल हुआ था, उस दिन का क्या कहानी था, किस तरीके से वो वीडियो बना था? ऐसे ही मजाक में बना के डाल दें। कि आपके पापा जैसे कि ऑटो ड्राइवर है, तो मतलब घर का स्थिति कैसा है आपका? अभी तो जैसे था वैसे ही है अभी। अच्छा, जैसे वीडियो वगैरह बनाते हैं तो मतलब गांव घर के लोग क्या कहता है, जैसे डांस वगैरह करती है? अभी भी मतलब भोजपुरी वगैरह में इसको गलत माना जाता है कि नचनिया नाच वाच करती है। हाँ, पहले बहुत बोल रहा थी, लेकिन बहुत सब सपोर्ट कर रहा है मुझे। अभी सपोर्ट कर रहे हैं जी। अच्छा, वायरल हो गए तो गांव वाले का क्या रिएक्शन था? काफी सब खुश है और बोल रहा है बेटा ऐसे जम के मेहनत करते रहो और मेरा गाँव का नाम रोशन करते रहो। अच्छा, जैसे खेसारी लाल का आपके पास कॉल आया, वीडियो कॉलिंग, आप वीडियो काफी वायरल हो रहा है वो, तो उस क्या कहानी था, किस तरीके से बातचीत हुआ खेसारी लाल यादव से? यही उनको पैर छू प्रणाम और किए, और ये मेरे दीदी पूरा इमोशनल रोने लगी, हम भी रोने लगे जी। तो बोला कि बेटा मत रो, काम जरूर देंगे अपने साथ, तुम काम लायक हो, ऐसे बहुत समझा रहे थे। और बोला कहीं भटकना नहीं बेटा, ऐसी मेहनत करते रहो, अभी हम बम्बई में शूटिंग पर हैं, इसीलिए कोई अभी अथि नहीं भेजे हैं, लेकिन फ़ोन कर दिया था वीडियो कॉलिंग में। अच्छा प्रिया, जैसे आप वायरल हो गई हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर जगह छाई हुई हैं, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया में ट्रेंड में चल रही हैं आप, तो मतलब क्या सपोर्ट वगैरह मिल रहा है लोगों का? बहुत सपोर्ट मिल रहा, तब नहीं इतना हम अभी। फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है कुछ, पैसों वगैरह का, पैसों को लेकर? नहीं, अभी तो सब नहीं आया है, वो सब नहीं मिला नहीं, लेकिन अच्छा, जैसे खूबसूरती आपका है ये, काफी वीडियो वायरल भी हो रहा है, तो मतलब आगे क्या काम करना है आपको, किस तरीके का काम करना है आगे, फिल्मों वगैरह में किस तरीके का काम करना है? ऐसे मतलब कि कोई गाना होगा, गाना में काम कर देंगे। अच्छा, खेसारी लाल जैसे बातचीत किए तो कुछ पैसों वगैरह से भी मदद करने के लिए बोले हैं कि नहीं? हम अभी तो ये सब नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आपका मतलब ये सारी वाला ट्रेंड, मतलब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन उससे पहले भी अश्लील वीडियो वगैरह था कि पटबू कि ना पटबू, वो सब काफी लोग उसको भी मतलब ट्रेंड कर रहे हैं, तो उस पे क्या कहिए, वो किस तरीके से बनाए थे? वो नादान थे, उसके लिए माफी मांग रहे हैं, गलती हो गया, अब से वो सब रील नहीं बनाएंगे, जब बनाएंगे पर्दे के साथ बनाएंगे। अच्छा, मस्ती के लिए बना दिए थे? नहीं, मस्ती के लिए नहीं, मतलब कि नादान थे, समझ नहीं आया था, इसीलिए बना दिए। अभी उम्र क्या होगी आपकी? 16 साल हो गए। मतलब 16 साल में ही मतलब वायरल होगी, पूरा छाई हुई है, मतलब किसके साथ आप काम करना? जैसे खेसारी लाल तो ऑफर कर दिया, लेकिन अब देश प्रेमी बहुत सारा स्टार वगैरह या सिंगर वगैरह जो जिनके गानों पे आप रील्स बनाइए, तो अब खेसारी लाल यादव के सिवा किसके साथ काम करना है? हमको तो आगे ऑफर भैया का, उसमें भी काम कर देंगे, और कोई भी कलाकार का अगर फोन लाएगा काम करने के लिए तो काम जरूर करेंगे। अच्छा, जैसे आप बेगूसराय की, बेगूसराय मतलब आपके जिला की एक और सिंगर वगैरह भी वायरल हो रही है काफी, तो उसके बाद पता था कि मैं वायरल हो जाऊंगी? नहीं, हमको नहीं पता था। नहीं पता था। अच्छा, वायरल होने के बाद फिर आपका क्या प्रतिक्रिया रहा, जैसे आप सुने कि मैं वायरल हो गई? बहुत खुश थे उस दिन, हम मन में लड्डू फूट गया। तो उसके बाद किसको फोन वगैरह कुछ लगाए थे किसी को? हाँ, घर और भैया को, पापा को। जैसे कि अभी मतलब आप पटना में आई हुई है, तो पटना में मतलब यहाँ के स्टूडियो में किस लिए आई हुई है अभी आप? मतलब बोलबम का गाना है, वही शूट करना है। रील्स आप बना रहे थे, उसमें ताना बाना सुनने को मिलता था कि नहीं? नहीं, मेरे घर का आदमी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब घर में सब सपोर्ट, घर में आपके कितने लोग रहते हैं टोटल? अभी तो है 6 आदमी। 6 लोग हैं टोटल? नहीं, कितने भाई बहन आप? हम 5। 5 भाई बहन है, मतलब सबकी शादी वगैरह हो गई है? नहीं, एक को हुआ है, बहन को। अच्छा, इतने कम उम्र में आप इस लाइन में आ गए थे, कुछ दिक्कत वगैरह होगा, परिवारिक स्थिति ठीक नहीं हुआ, इसके वजह से आई होंगी, या शौक है फिल्मों में रहने का? शौक भी है, लेकिन मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, मेरे पापा को गोड़ कट गया, तो कोई हमको घर में कमाने वाला नहीं थे, मेरे दीदी कमा कमा के सबको खिलाते थे, उससे घर में नहीं चला,
तो दीदी हमको इस लाइन में लेके चला। मजबूरी मतलब आपको आना पड़ा इसमें जी। पैसा आने के बाद क्या काम करिएगा सबसे पहले, और अच्छा खासा पैसा मिलता है तो? नहीं तो जिन जिनको अच्छा लगेगा वो पैसा देगा, जिनको नहीं लगा थोड़ी ना कि जबरदस्ती। नहीं जबरदस्ती नहीं, लोग आपको देंगे, आप वायरल हो रहे हैं, आपके मतलब जो डांस है या वीडियो है पसंद कर रहे हैं लोग, तो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो पैसा आने के बाद क्या काम करिएगा सबसे पहले, घर द्वार बनाइएगा कुछ करिएगा, क्या करिएगा सबसे पहले? घर द्वार बनाएंगे, हमको भी बहुत बड़ा सपना है कि बड़े आदमी जैसे रहें, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, है ना जी। तो देखिए प्रिया मतलब चाहती है कि इसका भी कोई बड़ा घर हो, बंगला हो, गाड़ी हो, मतलब होता है जिसको, सबको मतलब फेम चाहिए, फेम के साथ कुछ पैसा भी चाहिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, बोलिए मतलब लोगों को मतलब क्या संदेश रहेगा आपके तरफ से? यही कि मतलब गाना में काम किए आप सब, अभिराज म्यूजिक हिट पर सर्च मारिए और सपोर्ट कीजिए हमको, लाइक शेयर कीजिए। और भी गाना आने वाला है आप लोग को बताएंगे हम, और भी गाना आने वाला है आप सबको बताएंगे हम। अच्छा आपका फेवरेट मतलब एक्टर या मतलब सिंगर कौन है भोजपुरी में? खेसारी भैया। खेसारी भैया, और खेसारी भैया आप गर्दम मचाने वाले हैं आपके साथ, कैसा लगेगा फिर? बहुत अच्छा लगे। कब तक आ जाएंगे आपका जो सॉन्ग खेसारी भैया के साथ, कब तक वादा किया हो जाएगा? अभी तो पता नहीं लेकिन बहुत जल्द बोले हैं। अच्छा जो खेसारी भैया का पार्ट टू आएगा वो सॉन्ग का, पियल ना छोड़बो तो राजा मर जाइब, तो उसमें क्या साड़ी में दिखिएगा या हॉट ड्रेस वगैरह में? साड़ी में। साड़ी में मतलब देखिए जिस तरीके से लड़की मतलब वायरल हुई साड़ी में, उसी में दिखेगी।